Yes, students, hope you all are fine. Good. Okay, so आज हम कौन सा subject करने वाले हैं? English. Okay. So अब तक हमने English में क्या किया? Chapter number 4, explanation and exercise. अभी last exercise एक बाकी है हमारी. तो हम वो आज complete करेंगे, ठीक है? So first of all, you have to take out your two leaves. In that, take out page number 28. अब तक हमने ये ग्रामर वाला पार्ट, प्रोनाउंसिएशंस ये सब कर लिया है ना. अभी ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी बाकी है, वो अभी हम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आउट पेज नंबर 28 एंड योर पेंसिल इन योर हैंड एंड यू हैव टू डू विद मी. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर देखिए. नेम द फॉलोइंग कलर्स. आपको यहाँ पे कलर्स को नीचे लिखना है जो कि आपको आता ही है. कलर्स के नेम आपको आते हैं, है ना. ओके, सो विच कलर इज दिस. ये कौन सा कलर है? ग्रीन, देन ब्लू एंड देन पिंक. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ ग्रीन. यू नो द स्पेलिंग ऑफ ग्रीन राइट? जी आर डबल ई एन, ग्रीन. यू हैव टू ऑल्सो राइट. ओके स्टूडेंट्स, इन योर टू लिप्स. देन सेकेंड इज विच कलर? Blue. So you will write here blue. What is the spelling of blue? B-L-U-E. Blue. Okay. And which color is this? Pink. So what you will write here? Pink. P-I-N-K. Okay students, have you written? Spelling of green. G-R-E-E-N. Green. B-L-U-E. Blue. P-I-N-K, pink. Okay students, written. Very good. Now, second question देखिए अपनी बुक में. Here it is, name the following shapes. आपको shapes भी आते हैं, ये कौन से shapes है वो भी आपको आता है ना. तो अभी हम उसके यहाँ पे spellings लिखेंगे. So, what is this? This is a clock. ये इसका, ये जो clock है उसका shape कौन सा है? सर्कल है ना. तो अभी यहाँ पे हम सर्कल का स्पेलिंग लिखेंगे. सी आई आर सी एल ई, सर्कल. सी आई आर सी एल ई, सर्कल. रिटर्न. ओके गुड. नाउ विच शेप इज दिस? ये कुकी का कौन सा शेप है? स्क्वायर. आपको स्क्वायर का स्पेलिंग आता है? वेरी गुड. चलो अभी हम लिखते हैं इधर एस क्यू U A R E, square. Written. Okay. Now which color, which shape is this? ये pizza का कौन सा shape है? ये triangle है ना. तो अभी यहाँ पे हम triangle का spelling लिखेंगे. T R I A N G L E, triangle. कौन सा ये स्पेलिंग लिख रही है आपने? टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल. नाउ व्हिच शेप इज दिस? दिस इज रेक्टेंगल. ओके, सो हियर वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ रेक्टेंगल. आई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल. R E C, then T A N G L E, rectangle. Have you written? Okay. Again, see, I am repeating. This is the spelling of circle. Then this is square. So we have written here square. Then this is a triangle. So here we will write the spelling of triangle. And last, which shape is this? This is rectangle. So here we will write the spelling of rectangle. So have you completed question number 1 and question number 2? Very good. Now let us switch on to the next question. That is, describe the following pictures to your friend. ये जो वहाँ पे pictures दिए गए हैं, देखो first picture is of cat, second picture is of fish, और ये क्या है? Stick. तो ये pictures आपको describe करना है कि ये कैसे हैं. Okay, so let us write. See, first one is done for you. It is a fat cat. आपको ब्रैकेट दिए गए हैं, थिन फैट.
तो ये कैट है वो थी है कि फैट है? फैट है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फैट, दैट इज डन फॉर यू, वो किया हुआ है आपकी बुक में। अभी हम बी और सी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बी इज, इट इज अ डैश टाइनी लार्ज फिश, वो जो फिश है वो टाइनी है कि लार्ज है? टाइनी है ना, तो हम टाइनी वहां पे लिखेंगे, ठीक है। राइट हियर टी आई एन वाई, टाइनी, और टाइनी के ऊपर से टिक मार्क कीजिए। डन, ओके। नाउ लास्ट सी, इट इज अ डैश लॉन्ग शॉर्ट स्टिक, जो स्टिक है वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है? लॉन्ग है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग, एल ओ एन जी, लॉन्ग, और लॉन्ग के ऊपर टिक मार्क। डन, यहाँ पे आपको टाइनी लिखना है और यहाँ पे आपको लॉन्ग लिखना है, ओके स्टूडेंट्स, ओके। अभी उसके नीचे देखिए राइटिंग्स की है, वहाँ पे ब्रैकेट्स दिए गए हैं और ये ब्रैकेट्स में से आपको यहाँ पे आंसर्स ब्लैंक में फिलअप करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट अस डू दिस, सी फर्स्ट आई विल रीड दिस ब्रैकेट्स, जो वहाँ पे आपकी बुक में भी पिंक कलर से हैंड राइटिंग से लिखा है, पिंक कलर की राइटिंग से भी लिखा है, ओके। तो वो पहले हम रीड करेंगे, पी ई टी पैट, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू क्या होता है, विंडो, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, एफ ई ए टी एच ई आर एस क्या है ये, इसका स्पेलिंग है फेदर्स, एंड लास्ट इज सी ए टी कैट, ओके। तो ये ब्रैकेट्स में से यहाँ पे आपको आंसर्स फिलअप करने हैं, ओके। सो लेट अस स्टार्ट दिस, दिस इज द फर्स्ट वन, पिंटू हैज अ ब्लैंक ऑफ रेड येलो एंड ग्रीन, पिंटू कौन था, पैरट था ना, तो उसके बॉडी पार्ट में क्या रेड येलो एंड ग्रीन कलर का था, यहाँ से आपको देखना है, यस फेदर्स, उसके फेदर्स रेड ग्रीन और येलो कलर के थे ना, तो यह ही विल राइट फेदर्स, और ये फेदर्स के ऊपर आपको ऐसे टिक मार्क कर देना है ताकि आपको पता चले कि ये आंसर मैंने लिख लिया है, ओके। तो यहाँ से देख के आपको लिखना है फेदर्स का स्पेलिंग, एफ ई ए टी एच ई आर एस फेदर्स, रिटर्न, ओके। नाउ नेक्स्ट, बोनी हैज अ डैश दैट इज ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर, बोनी के पास क्या था जो ब्राउन और ब्लैक कलर का था, पैट विंडो हैप्पी कैट क्या था, वेरी गुड कैट, बोनी के पास जो कैट थी वो ब्राउन और ब्लैक कलर की थी, सो यू हैव टू राइट हियर सी ए टी कैट, ओके रिटर्न, ओके। नाउ द थर्ड वन, टीनास फ्रेंड्स हैव अ, टीना के जो तीन फ्रेंड्स थे उसके पास क्या था, पैट विंडो हैप्पी क्या था, यस पैट था ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैट, पी ई टी पैट, रिटर्न, ओके। नाउ फोर्थ वन, द क्रो फ्लाइज डाउन टू द डैश, देखो यहाँ पे पैट में आपको टिक मार्क करना है, हाँ, सो द क्रो फ्लाइज डाउन टू द डैश, ओके। क्रो ऊपर से नीचे फ्लाई करता हुआ आया था, है ना, कहाँ पे गया था वो, क्या खाने के लिए, ब्रेड क्रम्स खाने के लिए, जो टीना ने रखा था, पर वो कहाँ रखा था, विंडो सीट पे रखा था, है ना, तो यू विल बी राइटिंग स्पेलिंग ऑफ विंडो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक मार्क एंड देन यू विल राइट योर विंडो, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू विंडो, सी योर डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू विंडो, रिटर्न, ओके। नाउ सी द फिफ्थ वन, टीना इज वेरी, जब दोनों
दोनों बर्ड नीचे विंडो सिल पे ब्रेड क्रम्स खाने के लिए आए, तो टीना कितनी खुश हो गई थी, है ना। तो टीना खुश हो गई, खुश मतलब हैप्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक मार्क ओवर हियर एंड राइट हियर हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। यू हैव टू राइट हियर एच ए डबल पी वाई, हैप्पी। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज विथ मी, अगर नहीं की है तो प्लीज कर लेना ये वीडियो पॉज करके, ओके। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट सी हियर पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29 पे यहाँ पे क्या करना है, जो राइट एक्शन है उसके ऊपर टिक मार्क करना है और जो बैड एक्शन है उसके ऊपर क्रॉस मार्क करना है। सी यहाँ पे ये गर्ल है वो पेट को बहुत प्यार से रख रही है ना, अच्छी तरह से कर रही है, ट्रीट कर रही है। और यहाँ पे जो है बॉय है, पेज टर्न करो पेज नंबर 30, यहाँ पे जो एक बॉय है वो कैट को स्टोन थ्रो कर रहा है। तो ये गुड एक्शन है कि बैड एक्शन है, दिस इज बैड एक्शन ना एंड दिस इज गुड एक्शन। तो गुड एक्शन में टिक मार्क और बैड एक्शन में क्रॉस मार्क, ओके स्टूडेंट्स। एंड सी द लास्ट वन ओवर हियर, क्या लिखा है यहाँ पे, डू यू नो व्हाट अ पर्सन हु ट्रीट्स एनिमल्स इज नोन एज, जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, जो डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर होमवर्क, ओके। उसको हम वेटेनेरियंस बोलते हैं, ओके। सो ये वेटेनेरियंस का स्पेलिंग आपको लिखना है, एक बार मैं बोर्ड पे लिख लेती हूँ फिर आपको लिखना है, ओके। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ वेटेनेरियंस, ओके। दिस स्पेलिंग यू हैव टू राइट ओवर हियर एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। अभी हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया, थैंक यू।